2013 की जो ये भर्ती है, इसकी क्या मांग है आपकी सरकार से? मैं बताना चाहूँगा कि 2013 के अंदर जब पद निकले थे तो 19,200 पद निकले थे इस भर्ती के अंदर, लेकिन आज 10 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन सरकार 10 साल से इस भर्ती को पूरा नहीं कर पाई। सरकार ने जब सरकार 2019 के अंदर नई सरकार बनी थी दोबारा कांग्रेस की, तब उन्होंने ये बोला था कि ये भर्ती जल्दी पूरी कर दी जाएगी, जो इसके अंदर 10,029 पद खाली पड़े हैं वो पूरे कर दिए जाएंगे। लेकिन आज 4 साल बीत चुके हैं, 4 साल से हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ऐसा कोई विधायक और मंत्री नहीं बचा जिसके पास हम निवेदन करने के लिए नहीं गए, मदद के लिए नहीं गए, लेकिन खाली आश्वासन के सिवा हमें कुछ भी नहीं मिला है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि आप कैमरा के माध्यम से दिखाना चाहेंगे तो दिखा रहा हूँ कि ये जब सरकार बनी थी तो 1 मार्च 2019 को सरकार के जो अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री सर हैं उन्होंने कहा था कि 10,029 पदों को पूरा किया जाएगा, और फिर उन्होंने दोबारा घोषणा की थी 2021 के अंदर, और उन्होंने कहा था कि 10,029 पद जो बाकी पड़े हैं इनको 2 चरणों में किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को आदेश भी कर दिया था, तो अधिकारी जो आरती डोगरा है उन्होंने बोल दिया था कि इनको 2 चरणों में पूरा किया जाएगा, प्रथम चरण 4,000 का रहेगा, द्वितीय चरण 6,000 का रहेगा, और जल्द से जल्द इस भर्ती को पूरा किया जाएगा। लेकिन पता नहीं क्यों आज वो प्रथम चरण जो 4,000 है वो भी अभी तक पेंडिंग चल रहा है, तो हम कहाँ से उम्मीद लगाएं कि 6,029 जो पदों की जो भर्ती अभी बाकी पड़ी है, जो नियुक्ति हमारी बाकी पड़ी है, वो कब होगी? क्या लगता है सरकार करेगी मांग? पिछले 6 महीनों से जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि 6 महीने में हमने ऐसी कोई कोशिश नहीं छोड़ी कि जिसमें राजस्थान सरकार के पास ऐसा कोई मंत्री नहीं है जिसके पास हम गए नहीं हो। सभी मंत्री और विधायकों से हमने निवेदन किया कि हमारी मुलाकात या तो सीएम सर से करवा दो। हमने पूरी कोशिश की सीएम सर से मिलने की कि सीएम सर से हम मिल पाएँ और हमारी भर्ती पूरी हो पाए, लेकिन पता नहीं क्यों वो हमारे राजस्थान के सीएम हैं और उनको सीएम बनाने के पीछे हमारी भी भागीदारी है, हमने भी उनको वोट देकर सीएम बनाया है, लेकिन आज ऐसी कंडीशन आ रही है कि हम अपने ही राजस्थान राज्य के सीएम से मिल नहीं पा रहे। हम कैबिनेट जो मंत्री हैं उनके पास जा चुके हैं, जितने भी विधायक हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी एससी डिपार्टमेंट राजस्थान से है, हम दिल्ली तक भी गए हैं। हमारा 25 अगस्त का धरना था शहीद स्मारक पे हमने धरना दिया था। हम सोच रहे थे कि गांधीवादी तरीके से धरना देकर हम वो सीएम सर से मुलाकात कर पाएँ। आपके कैमरे के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए, ये जितने भी सिग्नेचर है वो विधायकों के हैं, इतने विधायक हमारे पक्ष में है, वो हमारी मदद के लिए तैयार है, लेकिन सीएम सर फिर भी इस भर्ती को क्यों नहीं करना चाहते, फिर भी हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे? 25 अगस्त को धरना देने के बाद में हम 27 अगस्त को जंतर मंतर पर हमने सैकड़ों की संख्या के अंदर धरना दिया था, सिर्फ एक मुलाकात के लिए कि सीएम सर से हम मुलाकात कर पाएँ और अपनी पीड़ा है वो सीएम सर को बता पाएँ। पर पता नहीं क्यों उन्होंने कानों में उनकी रुई लगी हुई है या फिर वो हमारी बात सुनना नहीं चाहते। हम स्पष्ट रूप से स्थिति ऐसी हो चुकी है कि हमारे राजस्थान के सीएम हैं वो, लेकिन हम मिल ही नहीं पा रहे उनसे। अभी जो भी हमारे जो कांग्रेस के जो विधायक है, जो मंत्री है, लगातार उनके दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, हम ओवर एज होने को जा रहे हैं। हम 2013 की भर्ती जो निकली थी आज 10 साल उसको हो चुके, तो हम ओवर एज होने जा रहे हैं, हम किसके पास जाएं? ये बजटीय घोषणा थी। और यदि सरकार आपकी मांग इस बार भी नहीं सुनती है तो? सरकार अगर हमारी बात नहीं मानती है तो मैं तो यही कहना चाहता हूं कि हम पहले कांग्रेस के साथ में थे और आगे भी अगर ये सरकार इस मांग को पूरा करती है तो हम कांग्रेस के साथ में रहेंगे। अन्य जो काम सरकार ने किए हैं उनकी मैं बड़ाई करता हूं कि सरकार ने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन ये जो हमारी 10 साल से भर्ती पूरी पड़ी है, निवेदन करता हूँ सीएम सर से कि आप जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करके जल्द से जल्द हमारी आचार संहिता से पहले हमें नियुक्ति दे दीजिए, वरना हम ऐसा कदम उठाएंगे जिसमें आपको मजबूरन हमारे पास आना पड़ेगा। गांधीवादी तरीके से हम सत्याग्रह करेंगे, हम भूगढ़। आपका नाम? मेरा नाम राजकुमार फुलवा है, मैं झुंझुनू का रहने वाला हूँ।